सो हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए आपके लिए एक नए स्मार्टफोन का फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो, जो कि हमारे हाथ में है दोस्तों, रियलमी का 12 प्रो प्लस। ये फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आप अपने रेंज में आपको 35,000 तक में फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए है या नहीं, और इस फोन में क्या क्या यूनिक फीचर प्रोवाइड किए गए, कैमरा कैसा है दोस्तों, क्योंकि इसमें 120x का जूम आपको इसमें पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ, इसका जूमिंग का कैपेसिटी क्या है, और इसका कैमरा क्वालिटी बाकी में जबरदस्त है ना। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में दोस्तों रियलमी का 12 Pro Plus 5G फ़ोन, जो दिखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है दोस्तों। बैक में आपको वीगन लेदर आपको दिया हुआ है, और कलर्स मेरे पास जो है ये आपको ब्लू कलर है दोस्तों। टोटल इसमें तीन कलर आने वाला है दोस्तों, एक रेड कलर आने वाला है, एक बीच कलर यानी कि एक गोल्ड टाइप का दोस्तों। खास रूप से इसका कैमरा का जो आपको मॉड्यूल है दोस्तों, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसमें जो डिज़ाइनिंग किया हुआ है, इसमें जो आपको जो लग्जरी घड़ी का जो आपका डायलर जैसा रहता है उस टाइप को इसमें आपको दिया हुआ है। ट्रिपल कैमरा का आपको स्लॉट इसमें मिल जाता है, और इसमें जो इन हैंड फिल्म काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। इस फोन का लुक एंड डिज़ाइन कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो होने वाला दोस्तों। तो ये फिजिकल ओवरव्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है, ये स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे आपको स्टूडियो स्पीकर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन पावर बटन मिल जाता है दोस्तों, और नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ सिम ट्रे मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दो सिम के बाद मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है स्पीकर ग्रिल के साथ, और राइट हैंड साइड में आपको कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये रहा फर्स्ट इंप्रेशन आपका फिजिकल ओवरव्यू का। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो यहाँ पे कंपनी ने 6.78 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस की बात किया जाए तो इसमें आपका 950 का पीक ब्राइटनेस आपको दिया हुआ, तो मतलब आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। बेजल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी पतले पतले बेजल्स और पतले पतले चीन्स आपको दिए हुए हैं। टच स्क्रीन काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्सिबल आपको मिला दोस्तों, टच है कि आपको हम वीडियो में लाइव टच रिस्पॉन्स आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी बात है, और वीडियो में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत का नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बैक से आपको जो इसमें YouTube वगैरह देखिएगा तो 4K में HDR सपोर्ट करता है, सारा चीज़ स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट करता है दोस्तों। प्लस ये आपको डिस्प्ले क्वालिटी हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके फाइनली हार्डवेयर की तरफ, जो कंपनी इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया हुआ दोस्तों, इसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 है, यानी कि 7th जनरेशन का आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रैम रोम की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें टोटल तीन वेरिएंट आता है दोस्तों, 8GB 128GB इंटरनल, 8GB 256GB इंटरनल, 12GB 256GB, टोटल तीन वेरिएंट इसमें आने वाला दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 14 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको जो कैमरा का जो स्पेक्स दिया, जो आपको सामने लिख रहा दोस्तों, एक बैक में आपको मेन 50, फिर 8, फिर 64 मेगापिक्सल कैमरा है, और 32 मेगापिक्सल कैमरा। तो कैमरा के बात हम आगे करेंगे दोस्तों, फिलहाल ये आपको इसमें हार्डवेयर पार्ट्स काफ़ी अच्छा है। आप आराम से ये जो प्रोसेसर दिया हुआ है 4 नैनोमीटर पर आपको ये बेस्ट काम करता है दोस्तों। इसमें बेनिफिट आपको क्या मिला है, आराम से पबजी वगैरह आप 60 FPS पे आप खेल सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। अब बात करते हो तो इसमें फाइनली इसका मेन चीज़ का है इसका कैमरा क्वालिटी, जो कंपनी ने इसमें जो कैमरा जो यूज़ किया हुआ है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो कि सोनी का सेंसर दिया हुआ है 890 का, प्लस 64 मेगापिक्सल के इसमें पेरिस्कोप लेंस है, जो जूमिंग लेंस दिया, जो कि 120x जूम पे आपको वर्क करता है दोस्तों। और प्लस यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, तो आपको हम लाइव एग्जांपल आपको फ़ोन में वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा रहने वाला है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में 12 प्रो प्लस का कैमरा फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि आपको लाइव फ़ोटो खींच के दिखाएंगे दोस्तों। ये हमने आपको 1x में फ़ोटो खींच के देखा है, और कैमरा क्वालिटी दोस्तों डिटेल के मामले में कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। ये 1x में खींचा हमने, और आपको इसमें आपको 2x है, 3x है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको 6S में खींचा हुआ है फ़ोटो। तो कैमरा क्वालिटी ये रहा दोस्तों, 6S में खींचने वाला डिटेलिंग, कहीं से भी कोई चीज़ का आपको डिटेलिंग नहीं छोड़ा दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी ये 6X में था, ये 3X में था दोस्तों। यहाँ कलर्स काफ़ी अच्छे से निकल कर रहे, डिटेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। और यहाँ पर आपको ये हमने 2X में खींचा था, और ये रहा दोस्तों हमारे 1X में। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, ये आपका
तो सेंसर दिया हुआ है सोनी का सेंसर, उसके कैमरा के आपको आया है दोस्तों, वहीं पे वाइड एंगल कैमरा भी आपको फोटो खींच के दिखा दें इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारे वाइड एंगल का कैमरा, ये भी आपको हम खींच के दिखा दे रहे हैं इसमें डिटेलिंग कैसा है दोस्तों। तो वाइड एंगल कैमरा थोड़ा सा हेजनेस है, डिटेलिंग आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको इसका वाइड एंगल का कैमरा है दोस्तों। वैसे किसी फ़ोन का वाइड एंगल कैमरा कुछ खास रहता नहीं, 120 डिग्री पे वर्क करता है। बात करते हैं इसके पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट मोड में आपको इसमें फ़ोटो हमने खींच के दिखा रहे हैं, ये 3.1x में है। और ये रहा दोस्तों हमारा 3x में, तो कैमरा का आउटपुट कैसा रहने वाला है दोस्तों हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ये रहा दोस्तों 3x में पोर्ट्रेट, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस कलर्स भी काफ़ी अच्छे से निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमने खींचा है 1x में पोर्ट्रेट मोड में, तो एज टू एज काफ़ी अच्छे तरीके से कैमरा को ये जज किया है, और कैमरा क्वालिटी कहीं से भी आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा दोस्तों। इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा फ्रंट की बात किए हैं तो हमने बैक कैमरा फ़ोटो खींच लिया। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो कंप्रिंट इसमें यहाँ पे दोस्तों 32 मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया दोस्तों, जो कैमरा क्वालिटी आपको डिटेलिंग के मामले काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। और इसमें फ़ोटोज़ में वाइड एंगल हल्का सा, यहाँ से भी आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी फ्रंट कैमरा का 32 मेगापिक्सल कैमरा के हिसाब से काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें भी आपको हम फोटो खींच के आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। तो कैमरा में डिटेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, उसमें कोई तरह का दिक्कत आपको महसूस होने वाला नहीं दोस्तों। वहीं पे आपको इसमें बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे नाइट मोड है, स्ट्रीट मोड है। स्ट्रीट मोड में भी आपको फोटो हम आपको लाइव एग्जांपल दिखा के दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रीट मोड में आपको फ़ोटो खींच के दिखाएंगे, जैसे इसमें 16 mm पे है ये दोस्तों, आपको 24 mm पे है ये, आपको 48 है ये, 71 है, और ये आपका है दोस्तों 140 mm पे फ़ोटो खींचा हुआ है। इसका आउटपुट क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, तो वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसका आउटपुट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है दोस्तों। डिटेलिंग सबसे बड़ी बात है कि इसमें डिटेलिंग आपको छोड़ नहीं रहा दोस्तों, तो कैमरा क्वालिटी ज़बरदस्त होने वाला, कहीं से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको महसूस नहीं होने वाला दोस्तों। ये 1x में खींचा हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेजनेस महसूस हो रहा है, लेकिन जूमिंग या कैपेसिटी के मामले में दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अब जूमिंग से बात याद आया दोस्तों, इसका जूमिंग कैपेसिटी आपको कितना तक है, तो आपको हम लाइव फ़ोटो दिखा देते हैं दोस्तों। तो कैमरे को काफ़ी स्टेबल रखना पड़ेगा दोस्तों आपको फोटो खींचने के लिए। तो इसका जूमिंग का आउटपुट 120x जूम पे खींचा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे फिर से हम कुछ फोटो खींचने का कोशिश करते हैं आपके सामने। तो जूमिंग के मामले 120x दिया हुआ दोस्तों, आप बाहर में बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं। प्लस इसमें मोड ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों, इसमें फिल्म मोड मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है आपको, और इसमें एक डुअल भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम आप इसमें फ्रंट एंड कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस सबसे खास बात क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान डुअल कैमरा में आप कैमरा को आप जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये बहुत सारे फ़ोन में आपको नहीं मिलता है दोस्तों। और वीडियो से ही पता चलता है दोस्तों, में आप बैक कैमरा से 4K में 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080 में 60 fps का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 4K में कम से कम 60 का सपोर्ट मिलना चाहिए था, इसमें प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 4K में 60 fps देना चाहिए थे, जो कि आपको यहाँ पे मिसिंग है। वहीं पे आपको फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1080p में 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे 4K पे सपोर्ट नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें OIS भी दिया, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आप अच्छे तरीके से OIS का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें खास मोड दिया दोस्तों वीडियो क्वालिटी में, जो कि किसी ब्रांड में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इसमें जो है दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिसका क्वालिटी जो आपको दोस्तों आपको हम सामने आपको दिखा दे रहे हैं। तो
इसका आउटपुट कैसा रहने वाला दोस्तों वो आपको हम जबरदस्त तरीके से दिखा देते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग में पोर्ट्रेट मोड आप कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को जज कर पा रहा है और अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट मोड में इसको यूज़ कर पा रहा है दोस्तों। इसके फ्रंट एंड बैक कैमरा में OIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम आपको काफ़ी स्टेबल रखेगा। तो आप बात करते हैं दोस्तों इसके बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया हुआ दोस्तों और प्लस इसमें 67W का फास्ट चार्जर आपको सपोर्ट करता है। और प्राइसिंग की बात किया जाए दोस्तों इसमें आपको प्राइसिंग आ चुका दोस्तों, इसमें आपको स्टार्टिंग प्राइस है वेरिएंट है जो का 8GB RAM 128GB इंटरनल जिसका प्राइसिंग रखा हुआ है 2999 यानी कि 30,000 में 8 128 और 3199 यानी कि 32,000 में आपको 8256 और 3399 यानी कि 34,000 में 12256 का टोटल तीन वेरियंट आया दोस्तों। दोनों में आपको 2,000 का फर्क आने वाला दोस्तों। तो 8GB के हिसाब से आपको 30,000 में जो इसमें कैमरे का क्वालिटी 120x जूम जो दिया हुआ है, इसमें कैमरा का मॉड्यूल जो दिया हुआ है और इसका जो लुक एंड डिजाइन है दोस्तों काफी अच्छी बात है। दोस्तों प्रोसेसर भी आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 भी आपको दिया हुआ है, ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। बैटरी तो है दोस्तों, तो ओवरऑल पैकेज जो है आपको काफी अच्छा रहने वाला दोस्तों। तो 30,000 के प्राइस में आपको किसी फोन से आप कंपेयर कर लीजिए, ये फोन डेफिनेटली आपको आगे निकलने वाला दोस्तों। तो आप इस फोन को यार परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन स्टोर में जाए, आप इसको लाइव फोटो खींच कर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली आप इसको खरीदिए दोस्तों। और आप चाहते हैं दोस्तों इस फोन का आप किसी फोन से कंपेयर करना चाहते हैं, इस फोन से आप कन्फ्यूज है कि कौन सा फोन लें, ओप्पो लें वीवो लें, इसकी 30,000 के रेंज में आपको ओप्पो में आपको एक न्यू मॉडल जो लॉन्च हुआ है ओप्पो का रेनो 11 भी है, तो उस फोन की सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। आप किसी फोन से कंपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए किस फोन के किस फोन से कंपेयर करें। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।